दुनिया भर में रोज संक्रमण के लाखों मामले सामने आने के बाद कई देशों ने कोविड 19 रोधी टीकाकरण तेज कर दिया है। ब्राजील में तो राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की आपत्तियों के बावजूद बच्चों के टीकाकरण को मंजूरी दे दी गई है। शुक्रवार से ब्राजील में 5 से 11 साल तक के बच्चों को टीका देने की शुरुआत हो गई है। साओ पाउलो के एक अस्पताल में राज्य के गवर्नर जोजाओ डोरिया की उपस्थिति में बच्चों का टीकाकरण शुरू हुआ है। पहला टीका 8 साल के डेवी सेरेमरामेवे जावंत को लगा है। ये भी उल्लेखनीय है कि ब्राजील में वयस्कों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत भी जनवरी 2021 से साओ पाउलो में ही हुई थी। ब्राजील के अनविसा हेल्थ प्राधिकरण ने एक माह पहले टीकाकरण के लिए बच्चों के नए आयु समूह का ऐलान किया था। ब्राजील के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन के पात्र हैं। यदि उनके माता पिता चाहें तो वो टीके लगवा सकते हैं। देश के लोगों व बीमार बच्चों को टीकाकरण अभियान में प्राथमिकता दी जा रही है। राष्ट्रपति बोल्सोनारो फिर बोले, नहीं लगवाऊंगा 11 साल की बेटी को टीका। राष्ट्रपति बोल्सोनारो टीकाकरण की लगातार आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों के टीकाकरण का भी विरोध कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि वो अपनी 11 साल की बेटी को टीका नहीं लगवाएंगे। बोल्सोनारो शुरुआत से ही वैक्सीन के खिलाफ रहे हैं। कुछ महीने पहले अमेरिका के एक रेस्टोरेंट ने उन्हें सिर्फ इसलिए एंट्री नहीं दी थी क्योंकि उनके पास वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट नहीं था। इस पर उनका कहना था कि उन्हें वैक्सीन की जरूरत नहीं है, उनकी इम्यूनिटी कोरोना से लड़ने के लिए मजबूत है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।